कांकेर जिले में संचालित प्राइवेट स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन ने स्कूलों को 2 नवंबर से खोले जाने, वाहनों की किस्तों में राहत दिए जाने एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को दिए जाने वाले मानदेय पर आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि जिले में लगभग 150 प्राइवेट स्कूल संचालित हैं। स्कूल का संचालन स्थानीय समितियों के द्वारा किया जा रहा है। पालक समिति एवं शाला विकास समिति के द्वारा सहमति प्राप्त कर समस्त जिले के प्राइवेट स्कूलों को शासन के गाइडलाइन के आधार पर खोलने की अनुमति 2 नवंबर से प्रदान किया, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का भविष्य खराब होने से रोका जा सके। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण मार्च से स्कूल बंद है, जिसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राएं दिशाहीन हो रहे हैं। अगर समय पर स्कूल नहीं खुला तो युवा पीढ़ी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों को सत्र 2018-19 व सत्र 2019-20 की अनिवार्य और निःशुल्क RTE के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र छात्राओं का शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, जिसे दिए जाने सहित वाहनों की किस्तों में राहत, शिक्षक शिक्षिकाओं को मानदेय दिलाने हेतु शासन की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग करते हुए शीघ्र स्कूल खुलवाने की मांग की है। इस दौरान विभिन्न प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक गण मौजूद रहे। सर बताएं, आज किन मांगों के लेकर आप यहाँ आए? हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है कि स्कूलें जो है वो खुलनी चाहिए 2 नवंबर से। जो शासन का गाइडलाइन होगा उसको विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा उसको फॉलो किया जाएगा। पालक समिति भी यह बात को हम लोगों के सामने रख रही है कि सर स्कूल कब खुलेगा, स्कूलों को खोलिए, बच्चे दिशाहीन हो रहे हैं, बच्चों का साल जो बर्बाद हो जाएगा, बच्चे बिल्कुल भी मतलब अन्य गतिविधियों में ध्यान दे रहे हैं तो बच्चों का पूरा पूरा इसमें नुकसान हो रहा है। जी, स्कूल नहीं खुलने का क्या कारण लग रहा है अभी तक? नहीं खुलने का कारण है कि कोविड-19 महामारी के कारण से जो स्कूल है वो बंद है और सारी जो गतिविधियां हैं वह शासन गाइडलाइन के आधार पे है, तो स्कूलों भी खोलना चाहिए लेकिन जो गाइडलाइन है वो पालन करने के लिए दिशा निर्देश करना चाहिए। जी, कितने बार ज्ञापन आप लोगों ने सौंपे हैं अभी तक? स्कूल खोलने के लिए पहली बार अपने ज्ञापन दिया है। इसके पहले जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था वो अन्य समस्याओं के लिए, लेकिन वो समस्याएं हमारी अभी तक के पूरी नहीं हुई है। जैसे कि हमारा RTE से संबंधित जो मांग थी है ना, जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको भी मानदेय देना है, लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति में फीस नहीं आ रहा है और सारे जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। अतः हम चाहते हैं कि शासन के द्वारा निजी विद्यालयों को कुछ राहत पैकेज दिया जाए ताकि वो शिक्षक शिक्षिकाओं को पेमेंट दे सके और जो गाड़ियों का जो है गाड़ियों का फीस का भी नहीं पटा पा रहे हैं। स्कूल गाड़ियां हैं, किसी के पास 6 गाड़ियां हैं, किसी के पास 8 गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों का EMI भी नहीं पटा पा रहे हैं स्कूल, तो बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं जी। अगर स्कूल प्राइवेट स्कूल नहीं खोला जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे आप लोगों का, क्या आगे कार्रवाई क्या रहेगा? अगर प्राइवेट स्कूल नहीं खुलता है तो उसमें हम शासन से राहत पैकेज के लिए और मांग करेंगे ताकि स्कूल बंद ना हो। इस स्थिति में जो जिले के 158 स्कूल है वो लगभग सभी को बंद होने की स्थिति आ सकती है। क्या नाम सर? मेरा नाम भुरेश्वर सिंह साहू, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रेसिडेंट।